हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज सुबह ऐसे रोटी बनाते बनाते वीडियो स्टार्ट की। फिलहाल अभी तो ब्रेकफास्ट का प्रिपरेशन चल रहा है। और आज को सबसे अच्छी बात ये है कि मुझे सिर्फ रोटी ही बनाना है, उसके साथ कोई वेजीज मुझे बनाना नहीं है। तो एक्चुअल मैं आज एक डिफरेंट डिश बनाने जा रही हूँ। इट्स वेरी इजी टू मेक। और अभी जैसे जनवरी का मंथ चल रहा है, सर्दियों के दिन तो कुछ ज़्यादा बाकी है नहीं, बट सर्दियों में कुकिंग करने में सच में बहुत अच्छा लगता है भाई, आँख के सामने। और बाहर का वेदर भी आज को बहुत अच्छा है, हल्की मीठी सी एक धूप निकली हुई है, सारा कुछ मिला के बहुत अच्छा है। तो वीडियो को आप लोग आगे देखते रहिए। मेरे हस्बैंड को एक टिपिकल बंगाली विंटर स्पेशल डिश खाने का मन किया, जो बहुत ही सिंपल एंड इजी टू मेक है। बस मैंने रोटी बनाया जस्ट, और ऐसे रोटी को पीसेस में श्रेड कर दिया, और ऊपर से मैंने जो अमूल का पाउडर मिल्क आता है वो स्प्रिंकल कर दिया। स्प्रेड करके अब जो चीज़ मैं देने जा रही हूँ, दैट इज़, इसे हम लोग कहते हैं बंगाली में खजूरेर गुड़, या खजूर का जो विंटरी गुड़ आता है लिक्विड, जिसे हम लोग छोला गुड़ भी कहते हैं। तो अभी मैं यही ऐड करने जाऊंगी इसके ऊपर। नो शुगर, हाँ वो अमूल का जो पाउडर मिल्क है उसमें तो शुगर का क्वांटिटी रहता है, बट स्टिल अलग से तो शुगर ऐड करने की ज़रूरत है नहीं। तो इसमें मैं थोड़ा सा ऐसे 4 to 5 स्पून करके, ओहो उससे मेरे डॉगीज, मैं ऐड कर रही हूँ। अगर इनकेस हस्बैंड को चाहिए होगा मैं फिर से ऐड कर दूँगी। और ऊपर से मैं देने जा रही हूँ ये वार्म वाटर, ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए। और सारा कुछ मिक्स करने के बाद मैंने इसे एक दूसरे बोल पे ट्रांसफ़र कर लिया है। हाँ तो हस्बैंड को बहुत मन किया कि इसको खाना है, सिंपल दूध रोटी जैसे हम लोग खाते हैं, और शक्कर ना मिला के इसमें जैसे विंटर का स्पेशल जो गुड़ आता है वही मैंने मिक्स किया है, और गर्म पानी, नहीं तो मिक्स नहीं होगा ना सारा कुछ। और आप लोग लिक्विड दूध भी ले सकते हैं, मेरे घर पे पाउडर दूध था तो मैंने वही यूज़ किया। तो हैप्पी, चलो ठीक है, मोस्ट वेलकम। नहीं इसका सच में मेरे हस्बैंड जी का खाना खाने का कोई भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, और आज ऐसे रोटी बनाई, कोई सब्ज़ी बनाने का मतलब ज़रूरत ही नहीं पड़ा, तो बहुत हल्का फील हो रहा है। आज को लग रहा है बहुत हाथ पे टाइम है, बहुत कुछ कर सकती हूँ, खाना बनाने में ज़्यादा एफर्ट नहीं लगा आज को मुझे। ठीक है हमें एटा के तले ऑफ करछी, तुम्हें खाओ एखन, टाटा बाय बाय। सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, होप आप सब बहुत अच्छे हैं एंड लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो फाइनली जो भी था रोटी एंड वो किचन का जितना भी सारा काम वाम था सुबह का, सारा निपटा के खुद फ्रेश होके मैं आ गई हूँ। सोचा थोड़ा सा मैं बात कर लूँ आप लोगों के साथ, कि ऐसे अप टू 3 months हो चुका है कि मैंने कोई रैंडम, मतलब अप टू 3 to 4 months हो चुका है स्पैन कि मैंने कोई व्लॉग अपलोड नहीं किया है। सो टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरा हेल्थ एकदम सही नहीं था, और फॉर द पास्ट 3 months आई हैड सफर्ड अ लॉट। तो आई गॉट टोटली फोटो सेंसिटिव, एंड माइग्रेन का भी प्रॉब्लम आया है मुझे बहुत। तो बहुत सारे इश्यूज आ गए थे मेरे जॉब ओन को लेके, वायरल फीवर को लेके बहुत कुछ प्रॉब्लम आ गया था। तो एक चीज़ जो लाइफ ने मुझे बहुत अच्छे से सीख दिया है इन 3 महीनों में, दैट इज़ जो बात कहते हैं ना, हेल्थ इज़ वेल्थ, इज़ एब्सोल्यूटली, मतलब मैं फुली रिलेट कर सकती हूँ उस चीज़ों से। हेल्थ ठीक था जितना दिन मैं थोड़ा थोड़ा कुछ भी कर रही थी, तो व्लॉग हो रहा था घर, सिर्फ व्लॉग का बात छोड़िए, मतलब कोई भी कहीं पे जाना होता है या कुछ खाना बनाना होता है, एक अलग सा एक एंथुजियाज़म होता है। लेकिन जब हेल्थ ठीक नहीं रहता है तब कुछ ठीक नहीं रहता है, कुछ सही नहीं चलता है। सो चलिए अभी फ़िलहाल बाय गॉड्स ग्रेस आई एम ओके, लाइफ में फिर से आगे बढ़ने का कोशिश कर रही हूँ,
और एक चीज़ है कि जैसे मैं प्रीवियस वीडियो में आप लोग अगर चेक करोगे तो देखोगे कि मैंने वेट लॉस के ऊपर बहुत सारे डाइट्स या खुद वेट लॉस कर रही हूँ वो सब चीज़ें मैं शेयर की थी आप लोगों के साथ। तो अभी क्या हो गया, ये 3 मंथ्स में इतने एंटीबायोटिक्स स्टेरॉइड लेना पड़ा है मुझे कंटिन्यूसली, एंड 1.5 मंथ्स के लिए मुझे नर्व का मेडिसिन लेना पड़ा है। सो ऑल दोज मेडिसिन का तो एक साइड इफेक्ट रहेगा ही, जिसके वजह से मैं वेट पुट ऑन कर चुकी हूँ और फिर से मैं वेट लॉस जर्नी अपना स्टार्ट करूँगी। मैं हार नहीं मानूंगी कि जो भी हो, मतलब वेट गेन भी हो रहा है, वेट लूज़ भी हो रहा है, तो यही अच्छा चीज़ है ना कि जब मैं कोशिश करती हूँ तो वेट लूज़ तो हो रहा है, गेन वो तो होगा ही, लाइफ है, सब कुछ ठीक ठाक से नहीं चलता है, बट किसी भी चीज़ को छोड़ देना इज़ अ वेरी बैड थिंग। तो आई वॉन्ट टू कम बैक विद इन दैट ट्रैक। सो अब से मैं पूरा कोशिश करूँगी कि फुल डिटर्मिनेशन से मैं व्लॉग्स या मैं वीडियोस कुछ भी करूँ, जो भी होगा मैं अपलोड करूँ, और सारा कुछ कुकिंग बेस्ड रहेगा मेरे हर एक वीडियो में। आपका जो सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट होगा दैट इज़ मैं कुछ ना कुछ कुकिंग का चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगी, ईजी कुकिंग लाइक डेली बेसिस पे, एंड वो हेल्दी भी होगा, होम कुकिंग, होम बेस्ड, और कभी कभार बाहर जाऊँगी कुछ खाना पीना अगर होगा भी तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो दिस वॉज ऑल अबाउट इट, मुझे थोड़ा आप लोगों को अपडेट देना था। बहुत जन को क्वेश्चन लग सकता है ये कि वाई शी वॉज मिसिंग अचानक से फिर से वीडियो स्टार्ट, तो दिस वॉज माई अपडेट कि हेल्थ इशू के वजह से मैं बीच में एकदम सही नहीं थी और फिर से मैं अभी ठीक हूँ। एंड नाउ आई ऑल, मतलब मैं आप सब लोगों से अभी बात करने आ गई फिर से, दैट आई वॉज रियली मिसिंग यू ऑल। आज का तो पूरा डे अभी भी बाकी है, तो देखते हैं कैसा बीतता है, आई विल शेयर एवरीथिंग विद यू ऑल। सो देखते रहिए वीडियो को, एंड प्लीज़ वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक करना एंड सब्सक्राइब कर देना, सब्सक्राइब बटन के साइड पे जो बेल आइकन है उसको भी क्लिक कर देना ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ वो फर्स्टली नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। ओके, लव यू एंड टेक केयर। With my coffee. खांसी अभी तक गया नहीं मेरा। Coffee is something that brings life to me. Both, not only coffee, tea and coffee both. सो अभी मैं रेडी हो गई हूँ, मुझे अभी थोड़ा मार्केट जाना है, वही थोड़ा साड़ियों का शॉपिंग करना है मुझे, और एक्चुअली सामने कुछ मैरिजेस आ गए अचानक जिसके वजह से ऑनलाइन शॉपिंग तो मैं की हूँ लेकिन एक इनविटेशन अचानक से आ जाने के वजह से मैं ऑनलाइन पे अभी ऑर्डर दे नहीं सकती क्योंकि उतने टाइम तक चीज़ें आ नहीं पाएंगी, तो इसीलिए मुझे अभी थोड़ा मार्केट जाना पड़ रहा है, तो वही साड़ी भी लूँगी और कुछ अगर अच्छे वेजिटेबल्स वगैरह अगर मिल जाए तो वो भी ख़रीद लूँगी। ये मैंने इयर रिंग्स पहन लिए, एक जैसे ड्रेस मेरा कॉम्बिनेशन है ब्लैक एंड वाइट में, तो इसलिए वाइट स्टोन कैन ऊपर ये ब्लैक पहनी हो, एंड दिस इज़ अ मिडी ड्रेस, बाहर ठंड है तो इसलिए ये डेनिम का जैकेट, और ये एक मिडी ड्रेस है, सो स्लीवलेस बाय द वे, तो टोटल ऐसा लुक है। एंड शूज़ तो मैं चेंज करूँगी, ये तो जस्ट ऐसे घर के ही है। सो बस अभी मुझे जाना है बाहर एंड ठंड भी बहुत है, चलिए। सो स्कूटी निकाल लिया है, बालों को बना लिया है बन, माय मास्क, माय चाबी, and time to go out. So we completed our puja. Puja done.
सो मैं घर आ गई हूँ और ये तीन साड़ियाँ मैंने खरीदी है। ये दोनों सेम साड़ियाँ हैं, बस कलर एक अलग है। एक है एकदम प्रॉपर पिंक में और एक है टर्कोइश ब्लू, और ये एक रेड एंड वाइट में साड़ी है। बहुत प्यारा साड़ी है ये वाला। तो फॉर दी ब्राइड, उनकी सिस्टर, उनकी मम्मी के लिए। और ये कुछ वेजिटेबल्स हैं जो मैंने ख़रीदा है, थोड़े से कैरेट्स, ग्रीन पीस, टमाटर और ये पालक। बस 5 रुपीज़ का एक बंच मिला है मुझे। मुझे पालक और टोमेटो से एक बढ़िया सा डिश बनाना है जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी एंड हेल्दी है, और जिसकी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ बहुत जल्द शेयर करने वाली हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में। तो उसके लिए है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और रेसिपी देखने के लिए नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करना पड़ेगा। सो आज का वीडियो इतना तक ही। टिल देन स्टे हेल्दी, स्टे फ्रेश, और अच्छा अच्छा खाना खाइए और बहुत खुश रहिए। लव यू ऑल।